नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। This is velocity versus time graph. Figure shown the graph of the velocity versus time for a particle going along the x-axis. Find A the acceleration, B the distance traveled and the displacement from 0 to 10 seconds. सबसे पहले acceleration निकालने के लिए क्या करें? Velocity constantly increase होते जा रही है तो acceleration constant है ये तो पता चली जाता है. और एक तो ये तरीका है कि एक्सेलरेशन इसका स्लोप होता है ना. एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाय डीटी इस ग्राफ का स्लोप होगा. तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? वाई बाय एक्स मतलब 6/10. दिस डिस्टेंस इज 6, 8 माइनस 2 6, ये डिस्टेंस 6 होगा और ये डिस्टेंस दे ही रखा है 10 होगा. तो एक्सेलरेशन इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Then the distance travelled in 0 to 10 seconds and the displacement in 0 to 10 seconds. इसका acceleration 0.6 meter per second square है. 2 meter per second square की velocity से, sorry, 2 meter per second की velocity से 2 meter per second इसकी initial velocity है और x axis में move कर रहा है ये. ठीक है, suppose इसने x equal to 0 से start किया, यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब आगे की तरफ ही मूव करता जा रहा है. यहाँ से कुछ इस पॉइंट में डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा. ग्राफ से ही हमको देख के पता चल जाता है, एक्सेलरेशन से भी हमको देख के पता चल जाता है कि डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, दूसरा तरीका, इसकी इक्वेशन लिखते हैं. इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. वाई में क्या लिखा है? वी है, वाई एक्सिस में वी है. स्लोप इज अगेन 6/10. एक्स इज टाइम, एक्स कोऑर्डिनेट में टाइम है, प्लस कांस्टेंट. एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी है? 2. तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. ये 2, ये 0 प्लस सी, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन इज 6/10 टी प्लस 2. ठीक है, तो पोजीशन एक्स कितनी हो जाएगी? एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करते हैं, 6/20 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी. एक्स इक्वल टू 0 से कहीं से भी स्टार्ट किया हो, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट एक्स इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 एक्स वॉज सी, एक्स वॉज इक्वल टू सी. एट टी इक्वल टू 10 एक्स किसके बराबर था? 6 × 100/20 + 20 है ना. ये कितना आ जाएगा? 30 + 20 50 50 मीटर. तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब कि 50 प्लस सी माइनस सी, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर. दिस इज अ डिस्टेंस कवर्ड. डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, अगर बीच में कोई टर्निंग पॉइंट आता, मतलब कि ये जो ये अगर ऐसे जाके कहीं से लौट के आता, बीच में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आता, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होता. डिस्टेंस ये पूरा हो जाता और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है इस केस में. क्वेश्चन नंबर 9.
ठीक है। This is 100, x is in meter and time is in second. Figure shown the graph of the x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time. Find the average velocity from 0 to 10 instantaneous velocity at 2, 5, 8 and 12 second. Time hai ye 2.5. देन 5 बीच में कहीं पे, देन 7.5, 10 कहीं पे बीच में, 12.5 एंड 15 सेकेंड, दिस इज 15, टाइम इज इन सेकेंड्स। तो क्या करना है, जीरो से लेके 10 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। एवरेज वेलोसिटी विल बी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 100 मीटर। फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड टोटल डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर और टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ पार्ट बी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड यहां कहीं आएगा, एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ये है, टी इक्वल टू 8 सेकेंड, 8 यहां कहीं आएगा, और टी इक्वल टू 12 सेकेंड मतलब कि यहां। कितने पॉइंट में निकालना है, 2, 5, 8 और 12। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी dx बाय dt, dx by dt होगी। dx by dt क्या है, इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड स्लोप क्या था, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2.5। तो dx by dt एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 2.5, 50 डिवाइडेड बाय 2.5 दिस विल बी 20, 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा स्लोप। एट टी इक्वल टू 5 स्लोप कितना हो जाएगा, 5 में स्लोप 0 है, दिख रहा है। सो एट टी इक्वल टू 5 डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी भी हो जाएगी 0। एट टी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 8 डी एक्स बाय डी टी कितना है, डी एक्स कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 8 डी एक्स इज दिस फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50, डी एक्स इज 50 एंड डी टी डिफरेंस इन टाइम, डी टी इज 10 माइनस 7.5, 2.5, राइट, 2.5 सेम, 20 मीटर पर सेकेंड। एंड एट टी इक्वल टू 12 डी एक्स बाय डी टी कितना हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव होगा, टी इक्वल टू 10 में स्लोप नेगेटिव है, तो डी एक्स बाय डी टी क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस 5,
This is 20 meter per second. Minus 20 meter per second. ओके एक्चुअली जो dx है वो होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल. तो लास्ट में आप देखो x फाइनल कितना है, जीरो है. माइनस x इनिशियल कितना है, 100. डिवाइडेड बाय t इनिशियल कितना है, t फाइनल कितना है, 15. माइनस t इनिशियल इज 10. तो अगर आपको वैसे तो देख के पता चल जाता है कि स्लोप नेगेटिव है, अगर नहीं पता चलता है तो इस तरीके से आप करिए, विल गेट द सेम आंसर, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 12.5. ठीक है.